हम किट आते ही देखिए दोस्तों, ब्रोस फीडिंग करने लग गया है। ब्रोस फीडिंग कर रहा है दोस्तों आपको। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कृपया करके अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। अभी फिलहाल देखिए दोस्तों, कोहरा चारों तरफ हो गया है दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों किस तरह पानी गिरता है और कोहरा कैसा लगा है। चलिए दोस्तों चलते हैं। ठीक है, माया जी भी साथ चलिए है। ये देखिए दोस्तों, देखिए आज सूरज नहीं निकलेगा क्योंकि आज कोहरा है दोस्तों, और पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है दोस्तों क्योंकि लगता है दोस्तों बारिश होने वाली है। और माया जी देखिए जा रहे हैं, अपना कपड़ा उठाने जा रहे हैं दोस्तों, बोरा सारे कपड़े देखिए दोस्तों। और पीहू भी बाहर जा रहा है देखिए, और माया जी उठा रहे हैं कपड़े दोस्तों, क्या बताएं क्योंकि बहुत जोर से बारिश होगा तो क्या करेंगे, तो कपड़ा भीग जाएगा ना, तो इसलिए हमें कपड़ा उठा रहा है इसलिए। माया जी ये देखिए दोस्तों उठा रही है किस तरह से, आप देख सकते हैं। वो घर के अंदर लाएंगे ना, वो घर के अंदर सुखाएंगे दोस्तों, क्या बताएं। और पीहू देखिए कितना खुश हो रहा है क्योंकि कोहरा पड़ा है ना, तो ठंड ज़्यादा नहीं लग रहा है कोहरा के लिए, तो इसीलिए दोस्तों ठंड ज़्यादा नहीं लग रहा है। पीहू इधर मस्ती करने लग गए हैं और माया जी उस तरफ गए हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों माया जी इधर है और कपड़ा सुखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश होने वाली है ना, तो इसीलिए दोस्तों अपना कपड़ा सब साड़ी उठा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। लाल दोस्तों तो दोस्तों चलिए दोस्तों घर के अंदर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों घर के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों पीहू क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा सा सूजी बना रहा है दोस्तों, क्या बताएं। माया जी है दोस्तों बाहर में, क्योंकि बाहर कपड़ा तो आप लोगों ने देखा, कपड़ा भीग जाएगा इसलिए उसको साइड कर रहे हैं, और दूसरी जगह में वो सुखाएंगे ना, तो इसलिए वो बाहर हैं दोस्तों, आए नहीं है, आते हैं तो आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो पीगुड़ी की खुद बनाने लग गए हैं दोस्तों सूजी, देखिए इस तरह बना रही है दोस्तों। अभी बाहर था दोस्तों और खेल कूद कर रहा था, अभी देखिए चीनी दे दिया है बेटा, चीनी हमने दे दिया है, बड़ी प्यारी भी थी दोस्तों, और नमक भी नहीं देना है, चीनी दे दिया है, नमक भी दे दिया है। और देखिए दोस्तों माया जी आ गए दोस्तों, क्या बात है, होता है कपड़ा सही जगह में रख के चले आए दोस्तों। अभी क्या बना रहे हैं सूजी के लिए दोस्तों, दोनों माँ और बेटी बनाएंगे ना, तो इसीलिए दोस्तों अंकित को थोड़ा आने देते हैं, उसके बाद का वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो में। देखिए दोस्तों फिलहाल माया जी मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं क्योंकि सुबह का तो नाश्ता ही करना पड़ता है दोस्तों। और माया जी देखिए फिलहाल हमको क्या दे दो दोस्तों, हाँ दे दो। तो दोस्तों
बाहर का नजारा कुछ ऐसा है दोस्तों, कोहरा चारों तरफ है और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है ना, इसीलिए दोस्तों दिक्कत हो रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। और आपने तो देख लिया माया जी किस तरह कपड़ा और एक साइड की है दोस्तों, अभी देखिए माया जी थोड़ा सा सूजी दे रहे हैं दोस्तों, क्या बताएं, नाश्ते के लिए सूजी बन रहा है, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद तो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। आप लोगों को क्या बताएं, अंकित आते ही देखिए दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग करने लग गया है और उसकी मम्मी से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है दोस्तों। आपको बताया था दोस्तों अंकित आएगा तो आपको दिखाऊंगा, तो आ गया है देखिए दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग करने लग गया है क्योंकि बहुत भूख लगता है मेरे बेटे को ना, तो इसीलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग करने लग गया है। और थोड़ा सा नाश्ता दिया था हमने, नहीं ना नाश्ता दिया था दोस्तों उसको, लेकिन नहीं खाया और ब्रेस्ट फीडिंग करने का सोचा दोस्तों, इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। और दोस्तों अंकित जब भी जाता है बाहर ना, तो उसके दोस्तों के साथ क्या बताएं खेलने चला जाता है, और घर को आता है जब भूख लगता है दोस्तों, और भूख लगने से वो आता है और नाश्ता देते हैं लेकिन नहीं खाता है, और मम्मी से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाता है दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। फिलहाल तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टाटा दोस्तों।